There's no reason. To blame anybody else in this situation is very bad. I'm also a mother. We don't want to talk about anything else today. बॉलीवुड के जानी मानी एक्शन हीरो ऋतिक रोशन और सुजैन खान दोबारा से शादी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ यही खबर चल रही है कि जल्दी ही एक बार फिर से ऋतिक रोशन और सुजैन खान शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। वह अगर आप भी ऋतिक रोशन के बहुत बड़े फैन हैं और आपको भी ऋतिक और सुजैन की जोड़ी काफी पसंद थी तो आप हमारे इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। दोस्तों आपको बता दें कि ऋतिक रोशन और उनकी पहली पत्नी सुजैन खान ने साल 2000 में 20 दिसंबर को शादी की, लेकिन उनकी शादी के 13 साल बाद ऋतिक और सुजैन ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। साल 2014 में वो ऑफिशियली अलग हो गए और अपने तरीके से अपनी अपनी लाइफ को जीने लगे, लेकिन फिर भी अपने बेटों की वजह से ऋतिक और सुजैन अक्सर एक दूसरे से मिलते रहे और आज भी दोनों एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि अपने दोनों बच्चों की खुशी के लिए ही ऋतिक और सुजैन अलग होकर भी अलग नहीं हो पाए हैं। उनके बेटों का नाम रिहान और फरदान है। दोनों को अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखा जाता है। तो वहीं बॉलीवुड के सुपर हीरो ऋतिक रोशन भी अपनी पहली पत्नी के साथ काफी अच्छा टाइम इंजॉय करते हैं, साथ ही एक काफी अच्छा बॉन्ड भी शेयर करते हैं। दरअसल वो आज भी सुजैन को अपनी एक खास दोस्त बताते हैं और उनकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वहीं इस हिसाब से देखा जाए तो आजकल दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों के चलते ही ये कहा जा रहा है कि ऋतिक रोशन और सुजैन खान जल्दी ही एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके अलग होने के 7 साल बाद रिपोर्ट्स की माने तो साल 2021 में उनकी शादी हो सकती है, लेकिन अचानक ऐसे चौंकाने वाली खबर के पीछे क्या वजह है इस बारे में अभी तक दोनों में से किसी ने भी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। लेकिन इन बीते 7 सालों में सुजैन और ऋतिक के अलग होकर भी उन दोनों का साथ कभी नहीं छूटा। दोनों को अक्सर एक दूसरे के साथ देखा जाता है। दरअसल जब भी मीडिया में ऋतिक और कंगना के रिश्ते को लेकर कई तरह की खबरें छपी, तब भी सुजैन ने अपने पति ऋतिक रोशन का साथ दिया और कंगना को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड में छुट्टियां बिताने के दौरान भी सुजैन को पूरे रोशन परिवार के साथ ही देखा गया और हाल ही में कोरोना वायरस के वक्त लॉकडाउन के दौरान भी सुजैन दोनों बच्चों के साथ ऋतिक रोशन के घर पर ही शिफ्ट हो गई, ताकि बच्चे ऋतिक को ज्यादा याद न करें और उनके साथ काफी सारा वक्त भी बिता सके। वेल दोस्तों, सुजैन खान ने हमेशा ही मीडिया के सामने ऋतिक को अपना एक अच्छा दोस्त बताया है। दोनों ने ही डाइवोर्स लेने के बाद एक दूसरे को कभी इंसल्ट नहीं किया, बल्कि दोनों को हमेशा एक दूसरे के बुरे वक्त में एक साथ देखा गया। तो वहीं सुजैन ने हाल ही में ऋतिक रोशन के जन्मदिन पर भी एक बहुत ही सुंदर पोस्ट डाला। दूसरी ओर ऋतिक भी अपनी पहली पत्नी को थैंक यू बोलते नजर आए थे। इसके अलावा भी सुजैन अक्सर ऋतिक से जुड़े पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शेयर करती हुई नजर आ जाती है। तो वहीं ऋतिक भी अपनी पत्नी सुजैन से जुड़े कई पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं और हमेशा ही अपना एक अच्छा और करीबी दोस्त बताते हैं। वेल ये सब देखकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सुजैन और ऋतिक रोशन के बीच प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, बल्कि हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की कमी महसूस करने लगे हैं और यही कारण है कि अब दोनों एक बार फिर से शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और हो सकता है कि दोनों जल्दी ही इस बात की ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दें। वेल दोस्तों, आपको इस बारे में जानकर कैसा लगा आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।